दरक्षा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। तो अभी हमने फ्राई पैन रखा है, तो अभी हम उसमें डालेंगे तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा अभी गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा जब डालें तो उसमें थोड़ा दूर रहें आप। अंडा हमारा ब्राउन हो गया है अभी, और थोड़ा हो जाएगा फिर उसके बाद हम अंडे को निकाल लेंगे। ये अंडा हमारा लाल हो गया है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को भी हम अच्छी तरह ब्राउन करेंगे, लाल करेंगे, खूब अच्छे से तलेंगे इसको। ये देखिए आलू हमारा ब्राउन हो गया है अभी, थोड़ा और ब्राउन करेंगे फिर उसके बाद निकाल लेंगे। ये आलू भी हमारा ब्राउन हो गया है, अभी हम इसको भी निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया, अभी हम इसमें डालेंगे और तेल। अभी तेल हमारा गरम हो रहा है, गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे। ये हमारे पास दो टुकड़े दालचीनी के हैं, एक तेज़पात है और एक बड़ी इलायची है, थोड़ी सी मेथी है और थोड़ा सा सौंफ है, और गोल मिर्च है, थोड़ा सा काली मिर्च। आप चाहें तो सौंफ और काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा, अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट में पीस लें, लेकिन हमने यहाँ पीसा नहीं है, इसकी वजह से हम इसी में डालेंगे, तेल में ही डायरेक्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिया हमने अदरक लहसुन और प्याज और इसमें हरी मिर्च पिसा हुआ है, अभी हम इसको मसाले में डालेंगे, तेल में डाल देंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे ताकि मेरे अदरक लहसुन और प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा पिसा धनिया है, और ये थोड़ी सी हल्दी है, और ये तीन कटा हुआ हरा मिर्च है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी हमारा ये मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। एक टमाटर हमने पीस लिया है इसको, ये भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। तो अपने स्वाद के अनुसार डालिए, चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, दही डाल देंगे तो और टेस्टी हो जाएगा और अच्छा बनेगा। ये देखिए मसाले हमारे भून रहे हैं, अभी थोड़ा और भून जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे आलू और अंडे। आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है। अभी हम इसमें डाल देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पहले आलू डाल के भूनेंगे फिर अंडे डालेंगे। ये देखिए अभी हम इसमें डालेंगे अंडा। ये अंडे हमने इसमें डाल दिए हैं, ये कांटे वाले चम्मच से हमने अंडे में ऐसे ऐसे करके छेद कर दिया है ताकि इसमें पूरा सालन अच्छे से पहुंच जाए। ये देखिए अभी हमारा अच्छे से ये भून गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जब भी अंडा करी बनाएं तो उस आलू का चार टुकड़ा कर लें। अब हम आँच को स्लो कर देंगे, मीडियम आँच कर देंगे और ढक देंगे इसको। अभी हमने इसको ढक दिया है। अंडा करी का स्वाद बढ़ाने के लिए अभी हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। गरम मसाला डालने के बाद हमने थोड़े देर के लिए इसको ढक दिया है। ये देखिए हमारा अंडा करी बिल्कुल तैयार है।